जिंदगी झंड अपना लाइन है यहाँ का, काफ़ी लंबा लाइन है, पता नहीं कब खत्म होगा। अपना भाई गया टिकट काटने। सो गाइस फाइनल देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं ताजमहल। गाइस भाई है विक्टोरिया है। हाँ सो गाइस आज हम आ चुके हैं विक्टोरिया पार्क। यार काफ़ी ऑसम प्लेस है ये। और भाई काफ़ी भाई परेशानी हुई, मतलब हम लोग पहचानते नहीं जानते नहीं हैं रास्ता को। गूगल मैप में घूम रहे थे हम बहुत दूर तक, मतलब हमको कुछ भी नहीं पता यार, फिर भी हम घर से निकल गए थे वेले यार, समझ रहे हो ना तुम्हारा भाई। फिर यार हम आसम निकले यार, पूछताछ कर करके कर करके फाइनली गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे भाई। सो अपने पीछे देख सकते हो कहाँ गया भाई, अब किधर है भैया। अच्छा वो है विक्टोरिया। इसको देखने के लिए हम इतने दूर से आए भाई, कम से कम हमारे घर से 60 किलोमीटर दूर, मतलब समझ रहे हो ना। तो चलो यार वीडियो में करते कुछ यार मज़ेदार, है ना, फुल तवाई मचाते हैं। और इसी के साथ भाई बने अभी मजा आएगा ना वीडियो। साथ साथ ही यार देखो कितना मस्त नज़ारा है, और साथ ही साथ वेदर भी इतना अच्छा है, और ये प्लेस काफ़ी अच्छा है भाई। और यहाँ पे लड़कियाँ तो भाई क्या ही बताऊँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे लड़कियाँ है। क्या बोला तूने? सो भाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब कपल्स लोग ज़्यादा आते हैं, और मैं स्नूबड़ी के साथ आया हूँ। साले का। मतलब भाई क्या ही बोलूं, बिल्कुल जिंदगी झंड। ओ माय गॉड टुरुला ना, मेरी मेरे पास कोई नहीं है भाई, कोई शब्द ही नहीं है बोलने को। मतलब तुम सिंगल हो ना तो भाई तुम नल्ले हो, बिल्कुल नल्ले। सिंगल रहना मतलब नल्ला। यहाँ पे ऐसे जगह पे आने के लिए तुम्हें भाई एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए। इतनी क्यूट क्यूट लड़कियां हैं यहाँ पे भाई, क्या